आएगा, हम सोच भी नहीं सकते कि पीटीआई के अलावा कोई और गवर्नमेंट आया पाकिस्तान में, और हम उसके लिए यहाँ से पूरी जदोजहद कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, आप भी पूछे कि ये हमें बताएं कि हमें उसमें क्या रोल अदा करना है। आप 9.5 साल पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, 5 साल आप पंजाब के वजीर आला रहे, शहबाज शरीफ तकरीबन 9 साल से मुसलसल, और इससे पहले 5 साल पंजाब के वजीर आला रहे, तो आप बताइए कि 20 साल के एब्सोल्यूट रूल के बाद आप तकरीरें करते हैं और आप बताते हैं कि पाकिस्तान का हाल कितना बुरा है। पीटीआई की फंडिंग के ऊपर जो पीएमएलएन का इस्तेदलाल है वो ये है कि जो अमेरिकन पाकिस्तानी है वो डुअल नेशनलिटी चूंकि नहीं रख सकते, तो वो फंडिंग आप फॉरेनर फंडिंग करार दें। मैंने जैसे अभी आपके सामने ये कहा कि पीटीआई ये समझती है कि पाकिस्तानी कानून अमरीकी पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी मानता है, और लिहाजा अगर वो वोट दे सकते हैं तो वो फंडिंग भी कर सकते हैं। देखिए, मैं जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जरदारी साहब के फैसले की नौयत मुख्तलिफ है, ये बात दुरुस्त है कि उनको कन्विक्शन आनी चाहिए थी, लेकिन वो 19 साल उनको केसेस जो हैं वो हो गए हैं, और जाहिर है कि उनके खिलाफ केसेस में एविडेंस टेम्पर की गई है, और जब तक आपकी हुकूमत हमारी नहीं आएगी, एक एहतसाब का निज़ाम नहीं बनेगा, ये जो सारे चोर हैं ये तो निकलते रहेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। पर्सनली ज़ाती तौर के ऊपर तो मुझे बड़ा शौक हुआ है, और मुझे पीपल्स पार्टी ने इसमें कोई इंटरेस्ट पहले नहीं लिया, 5 साल, अब 5 साल के बाद पीपल्स पार्टी को याद आ गई है कि ये भी एक केस था जिसको उन्होंने परसू करना था, लेकिन वो उसको एक पॉलिटिकल केस के तौर पे लड़ा गया है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से पीपल्स जो असल कातिल हैं वो बरी हुए। हर पार्टी में जो लीडर है उसी की बात सुनी जाती है। पीएमएलएन में अगर नवाज शरीफ के अलावा कोई फैसले करता है तो मुझे बता दे, पीपल्स पार्टी में अगर जरदारी साहब और बिलावल के अलावा कोई फैसले करते हैं तो वो बता दे, इमरान खान की पार्टी में तो फिर भी एक हम एक काउंसिल है, कोर कमेटी है, वो फैसले करती है, और कभी इमरान खान इंडिविजुअल फैसला नहीं करते हैं, वो तमाम जो लोग हैं उनकी मशावरत से फैसले करते हैं। एमएनएशिप है वो बचाने के लिए, जिस तरह सब सहाफ़ियों के सामने कहा था कि मैंने पार्टी छोड़ दी, और अगले दिन आके उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कह दिया कि मैंने नहीं छोड़ी, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनका करेक्टर क्या है। बाकी अब हमारे साथ थे इस वक्त बर्मिंगम में फवाद चौधरी साहब, पीटीआई के तर्जमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी क्या सूरत हाल है। जी फवाद जी, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ये है कि आपको मालूम है कि रेफरेंसेस फाइल जो हैं वो हो गए हैं, रिव्यू जो है वो भी फिक्स हो गया है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस नहीं जा रहे हैं, और हमें लगता यही है कि हमें बरतानिया में तहरीक चलानी पड़ेगी कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को वापस भेजें ताकि वो वहाँ पे जाके रेफरेंसेस का सामना कर सकें। पाकिस्तान इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, देखना यही है कि इलेक्शंस जो हैं वो इस साल होते हैं अगले साल के शुरू में होते हैं। अगर यही सूरत हाल हुई तो फिर इलेक्शन हो गया तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई की क्या सिचुएशन होगी? देखिए, पीटीआई इलेक्शन स्वीप करेगी,